आपली बस का उपयोग भाजपा के मोर्चे के लिए किए जाने के मामले में कुछ दिनों पहले मनपा के परिवहन व्यवस्थापक ने भाजपा पार्षद धर्मपाल मेश्राम को नोटिस भेजा। हालांकि मेश्राम ने नोटिस मिलने से इनकार किया। फिर भी अन्य माध्यमों से नोटिस की जानकारी प्राप्त होने पर मेश्राम ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन लेकर परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अपर आयुक्त दीपक मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस संदर्भ में मीणा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पत्रकारों से चर्चा में मेश्राम ने बताया कि आपली बस का उपयोग करने पर आपत्ति जताने वाले अपर आयुक्त ने MH31BZ317 गाड़ी महापौर या मनपा आयुक्त की अनुमति के बगैर 18 सितंबर 2021 को गोंदिया लेकर गए, जबकि मनपा के किसी भी वाहन को बिना अनुमति के शहर के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ड्राइवर ने जब अनुमति अनिवार्य होने की बात कही तो उसकी छुट्टी कर दी गई। कुल मिलाकर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया गया। इतना ही नहीं, आर्थिक तंगी होने के बाद भी मार्च 2021 से आने के बाद अब तक मीणा ने अपने कक्ष के रिनोवेशन पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। सूचना के अधिकार में इस संदर्भ में जानकारी मांगने पर विभाग की तरफ से अब तक जानकारी नहीं दी गई। परिवहन विभाग का मुखिया परिवहन व्यवस्थापक रहता है। परिवहन समिति को आदेश देने के अधिकार होते हैं। इसके बावजूद अपर आयुक्त परिवहन विभाग की फाइलों को रोकने और काम में अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। वैसे भी मीणा ने गोंदिया में क्या गुल खिलाए हैं वह सर्वविदित है। करार में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि बस का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए नहीं हो सकता। इस अक्टूबरला भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने नागपूर शहरातल्या जवळपास 3064 रमाई आवास योजनेअंतर्गतल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाने त्यांच्याकडे अडलेले 40 करोड़ रुपयाचं अनुदान तत्काळ प्रभावाने द्यावं ह्या मागणीसाठी माझ्या संयोजकत्वाखाली एक भव्य मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला होता। या मोर्चाच्या संपल्यानंतर या महानगरपालिकेचे ॲडिशनल कमिशनर श्री मीणा यांनी आपली बस आणि परिवहन विभागाला त्यांच्या उपयुक्तांना अशा दोन अधिकाऱ्यांना शोकॉज नोटीस दिली आणि त्यांच्या दबावाखाली मला देखील नोटीस देण्याचा जी अप्राप्त आहे ती नोटीस देण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाच्या व्यवस्थापकांनी केला। हे अत्यंत निंदनीय आहे आणि या शहरातल्या गोरगरीब दलित शोषित वंचितांचा हक्क मारून त्यांचं लक्ष अशा पद्धतीच्या चौकशीच्या माध्यमातून भरकटवण्याचा हा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या दबावाखाली श्री मीणा यांनी केलेलं हे षड्यंत्र आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।